तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो माइनक्राफ्ट 1.20 में कितना अंधेरा है और अभी कितना ज़्यादा उजाला हो गया। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे ना नाइट्रोजन का एडोन इंपोर्ट कर लिया, तो आपको है ना मैं एक नाइट्रोजन का एडोन देने वाला हूँ जिसको लगाते ही आपका है ना इतना ज़्यादा जो अंधेरा होता है ना ब्लैक कलर का वो है ना एकदम ईजिली मतलब नाइट में भी आपको डे दिखेगा। आपको पता होगा जावा में ऐसे एडोन्स होते हैं जो एक क्लिक में हो जाते हैं, तो वैसे मैं आपको पॉकेट एडिशन के लिए दे रहा हूँ। तो इसको कुछ इस तरीके से एक्टिवेट कर देना, इसको माइनक्राफ्ट में इंपोर्ट करना मुश्किल नहीं, खाली क्लिक करोगे माइनक्राफ्ट सेलेक्ट करोगे ओपन हो जाएगा ऑटोमेटिक। तो देख सकते हो यहाँ पे इतना ज़्यादा अंधेरा है, मतलब टोटली अंधेरा आपको यहाँ पे है ना, अभी डे हो रहा है तो थोड़ा लाइट दिख रहा है, वरना तो देख सकते हो यहाँ पे टोटल अंधेरा है, मैंने नाइट कर दिया यहाँ से ना, मतलब आपको है ना बहुत ही मुश्किल से दिखेगा अगर आप कोई अंधेरी जगह पे जाते हो तो और प्रॉब्लम है। तो आपको सिंपली है ना ये ग्लासेस लगा लेने, जो कि एडोन लगाने के बाद आपके माइनक्राफ्ट में आ जाएगा और देख सकते हो कितना तगड़ा उजाला हो जाता है। इसको डाउन करना है ना बहुत ज़्यादा सिंपल है, मैंने ना कमेंट सेक्शन में एक लिंक दिया, बस वहाँ पर जाना है और यहाँ पर आपको रीड मोर के ऊपर क्लिक करना है यहाँ पर जाते ही। उसके बाद आपको ना यहाँ पर थोड़ा नीचे स्क्रॉल करना है और नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा और देख सकते हो यहाँ पे ऑप्शन है सबसे नीचे, उस पर क्लिक करोगे तो मीडिया फायर का लिंक है आपका इजीली हो जाएगा। तो इतना होने के बाद आपको खाली उसके ऊपर क्लिक करना है और माइनक्राफ्ट में ओपन कर लेना, बहुत ज़्यादा सिंपल है, एमसी पैक है, एक क्लिक में डायरेक्ट माइनक्राफ्ट में खुलेगा। तो देख सकते हो यहाँ पे मैंने ये उतार दिया ग्लासेस, इतना ज़्यादा अंधेरा, ये 1.20 में वर्क करता है, 19 में वर्क करता है, 18 सब में करता है, रेंडर ड्रैगन के लिए है सिंपली। देख सकते हो यहाँ पे लाइट हो चुका है इतना मस्त, तो इसका काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। तो अगर आप है ना मतलब अंधेरे में आपको खेलना पसंद नहीं, लाइक जावा की तरह आपको लाइट चाहिए, नाइट्रोजन एडोन चाहिए, तो ये बेस्ट है, इसका आप यूज़ कर सकते हो। तो इसको क्राफ्ट करना भी मुश्किल नहीं, आप इसको सर्वाइवल में क्राफ्ट कर सकते हो, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। तो यहाँ पे मुझे एक विलेज मिल गया है, बहुत सही, तो चलो मैं यहीं पर कहीं पर आपको क्राफ्ट करना सिखाता हूँ। देख सकते हो लेकिन कितना लाइट अप लग रहा है, विलेज बहुत ज़बरदस्त लग रहा है यहाँ पे, मतलब काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार है। तो सबसे पहले तो मैं आपको दिखाता हूँ कि आप इसको ना अंधेरे में कैसे दिखता है और इसको क्राफ्ट कैसे कर सकते हो, चलो पहले मैं आपको बता दूँ। तो सिंपली यहाँ पे क्राफ्टिंग टेबल रखते हैं और इसमें आपको 5 लेदर चाहिए कुछ इस तरीके से रखना है और आपका ये क्राफ्ट हो जाएगा। उसके बाद सिंपली इसको पहनना और लाइट हो जाएगा। तो अगर ये वाला नाइट्रोजन का एडोन आपको पसंद आया तो एक वीडियो को लाइक कर देना, और मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्या प्रोसेस है इसको एक्टिवेट करने का, तो जाके कर सकते हो और इन्जॉय करो अपना माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन।